तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि आज हर किसी के बारे में मन में क्वेश्चन होता है और हर एक कॉमन मैन उसको अचीव करना चाहता है। टाइटल से तो आपने देख लिया होगा कि हाउ टू इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी, यानी अपनी कार की माइलेज किस तरह बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज एवरेज कार। तो आज मैं बात करूंगा ओनली पेट्रोल कार की। अगर आप चाहते हैं तो मैं डीजल कार का भी बना दूंगा, अगर आप कमेंट में बता सकते हैं आप। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पूरे कवर करने की कोशिश करूंगा, हर एक को एक्सप्लेन करूंगा साथ में। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके टायर्स, टायर में एयर और उसका अलाइनमेंट। देखिए, आपकी कार में चारों टायर हैं, चारों टायरों में प्रॉपर रिकमेंडेड एयर प्रेशर रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक साइड भी या फिर एक टायर में भी अगर प्रेशर कम रहता है, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट या फिर तीन पॉइंट अगर प्रेशर कम है, तो उसका इफेक्ट आएगा आपको 1 किलोमीटर एवरेज पे, यानी कि 3 PSI प्रेशर अगर कम है तो 1 किलोमीटर पर लीटर एवरेज आपका घट जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका ये आएगा, आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर बहुत जरूरी है। देखिए, जब गाड़ी पेट्रोल को जलाती है तो उसमें से एयर मिक्स होता है और फ्यूल मिक्स होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर पे ही गाड़ी प्रॉपरली, गाड़ी का इंजन चलता है। तो अगर आपका एयर फिल्टर ब्लॉक होगा या फिर उसमें काफ़ी डस्ट जमा हुई होगी, तो उसकी वजह से गाड़ी को हवा कम मिलेगी और उसकी वजह से गाड़ी फ्यूल ज़्यादा फेंकेगी। तो बेसिकली फिर फ्यूल कंजम्पशन तो ज़्यादा हो गया होगा, साथ में पावर भी कम मिलेगी। अब तीसरा जो है आपका है ड्राइविंग हैबिट। आपका ड्राइविंग हैबिट कैसा है? आप देखिए, अब यंग जनरेशन वाले बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और बहुत ज़्यादा पिकअप करते हैं और सडन ब्रेकिंग करते हैं। इस तरीके से आप जैसे मैच्योर होंगे, आप धीरे धीरे उठाएंगे और धीरे जैसे मर्जी वैसा ब्रेक लगाएंगे। तो आप अपनी ड्राइविंग हैबिट में चेंज करिए, मिड रेंज तक ही गाड़ी को लेके जाइए। अबाउ 4000 5000 RPM पे जाएंगे तो आपका माइलेज वैसे भी ड्रॉप हो गई होगा। एंड एकदम सडन स्टॉपिंग और एकदम सडन एक्सलरेशन को अवॉइड कीजिए। फिर फोर्थ आपका आ जाएगा कि आपके पेट्रोल की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल क्वालिटी भी मैटर करती है अपने एवरेज में। जैसे कि आपको मिल जाता है उसमें अनलेडेड सादा वाला पेट्रोल और एक आता है पावर, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फ्यूल। तो कुछ कुछ गाड़ियों में रिक्वायर्ड होता है अनलेडेड चल जाता है, कुछ कुछ गाड़ियों में होता है कि अनलेडेड प्रीमियम, प्रीमियम फ्यूल ही लगता है। जैसे कि मेरे पास एक होंडा CRV है, उसमें प्रीमियम फ्यूल ही लगेगा और सारी होंडा सिटी है तो उसमें अनलेडेड फ्यूल चल जाता है। मतलब प्रीमियम भी डाल सकते हैं बट अनलेडेड चल जाता है। तो कुछ गाड़ियों में इसका फर्क पड़ता है। और जनरल में कैसा फर्क पड़ता है दोस्तों? 1 रुपया 2 1.5 रुपया महंगा मिलता है ये जो प्रीमियम फ्यूल होता है, बट उसमें क्या एडिटिव्स होते हैं, वो एडिटिव्स क्या करते हैं, आपके इंजन को क्लीन करते हैं और साथ में बेटर फ्यूल का जो बर्न होता है वो अच्छी तरीके से होता है और अल्टीमेटली आपको एवरेज अच्छी मिलती है। और अभी आपका फिफ्थ पॉइंट आ गया कि आपको लेस आइडल करना है। अब लेस आइडल का मतलब क्या है दोस्तों? कि आपको गाड़ी खड़े नहीं करनी, ज़्यादा रनिंग में खड़ी नहीं करनी। जैसे सिग्नल हो गया 1.5 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा सिग्नल अगर आपको ट्रैफिक से समझ में आ रहा है तो आप गाड़ी बंद कर दीजिए, या फिर घर के सामने भी आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं तो वो भी अवॉइड करिए। और कहीं पे हम रुके हैं या फिर AC चला रहे हैं, आइडल में AC चलाते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी स्पेशली, पेट्रोल गाड़ी बहुत ज़्यादा एवरेज ड्रॉप कर देती है। क्योंकि जो आइडल होता है उसमें, आइडल में पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि
चालू रखने के लिए, और उसमें डीजल अगर होगी तो वो आइडल पे उसका कोई आइडल करने में कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, जितना पेट्रोल का होता है उतना कंपेरेटिवली नुकसान नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपका अवॉइड एम्प्टी, अवॉइड करेंगे आप एम्प्टी फ्यूल टैंक या फिर लो फ्यूल। इसका मतलब है कि आपकी पूरी गाड़ी की टंकी खत्म होने तक पेट्रोल मत रखिए, या फिर एकदम रिजर्व में भी मत रखिए पेट्रोल। होता क्या है कि आपकी गाड़ी जब खड़ी होती है, जैसे कि आप धूप में खड़ी है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पेट्रोल के वेपर्स बनते हैं, फ्यूल के वेपर्स बन जाते हैं टैंक में, और वो एस्केप हो जाते हैं, उसको वेंट होता है निकलने के लिए। इस तरह से आपका फ्यूल लॉस हो रहा है, जितना आपका समझो इतना आपका टैंक है और आपने ये रिजर्व लेवल है और आपने फ्यूल उसका इसमें इतना ही रखा है, तो वो फ्यूल क्या करेगा, वो पूरी जगह एक्वायर करेगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, और वो यहाँ से एस्केप हो जाएगा, तो आपका जितना है उतना भी चला जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उसको हाफ टैंक रखिए जिससे कि वेपर्स कम बने। वेपर्स ऑलरेडी कम बनेंगे तो वो फ्यूल भी कम लॉस होगा, जैसे कि वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो वेपर कम बनाएगा। इसलिए कभी भी आप एटलीस्ट हाफ अ टैंक तो भी फ्यूल रखिए, ये आपको इमरजेंसी में भी काम आएगा और फ्यूल सेविंग में भी काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, जो जो कि नज़रअंदाज करते हैं हम लोग डेली रूटीन में। अब एक आ जाएगा आपका लास्ट पॉइंट, वो है कि स्मार्ट यूज़ ऑफ एसी। जी हाँ दोस्तों, एसी कैसे इस्तेमाल करें, मैंने इसका वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आपको देखना है तो वो ईऑन का मैंने बनाया था, मेरे पास ईऑन भी है गाड़ी, तो उसके ऊपर मैंने बताया कि स्मार्ट यूज़ कैसे करें एसी का वाइल्ड ड्राइविंग। और एसी का तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्शन है कि उसमें एवरेज का क्या असर पड़ता है। एसी लगाते ही आपका डायरेक्टली एवरेज 2 किलोमीटर पर लीटर से गिर जाता है, बट वो सिटी में गिरेगा, सिटी ड्राइविंग में गिरेगा, बट हाईवे पे कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है दोस्तों। जैसे आप हाईवे पर जाते हो तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, शीशे नीचे करोगे तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसमें इंजन और ताकत लगाएगा बढ़ाने के लिए। गाड़ी एसी के ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए शीशे ऊपर करके चलाइए 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 गाड़ी, और एसी ऑन करके चलाएंगे हाईवे पे, तो आपको जो है तो फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू अपना शीशे नीचे करने के और एसी बंद करके चलाने पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कार का एवरेज बढ़ा सकते हैं, और जैसे कि पेट्रोल इंजन गाड़ियों में इस तरीके से आप अपना फायदा कर सकते हैं और अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं।